शाहजहांपुर में आज थाना कोतवाली या चौकी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां अलविदा की नमाज के संबंध में वीडियो वायरल कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल डॉक्टर तारिक अली खान के पुत्र अशरफ अली खान निवासी मोहल्ला बिजलीपुरा थाना कोतवाली शाहजहांपुर के एक आवेदन दिया था, जिसके आधार पर यूट्यूब व फेसबुक पर एक वीडियो अलविदा की नमाज को लेकर एक अभियुक्त द्वारा उसे पेश इमाम जामा मस्जिद की आवाज़ को तोड़ मड़ोड़ कर मनगढ़ंत तरीके से दूसरे आवाज़ को डब कर कर वीडियो को वायरल करने की घिनौनी हरकत करते हुए समाज में भाईचारे व सौहार्द को ख़त्म करने के लिए कोशिश की गई थी, जिसके चलते पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। दिनांक 21 तारीख को अलविदा की नमाज को लेकर नमाज जो है सब शहर में शांतिपूर्ण संपन्न हुई थी और शहर की जामा मस्जिद में भी शांतिपूर्ण नमाज संपन्न की गई थी, किंतु एक व्यक्ति मिराजुद्दीन द्वारा शहर की जामा मस्जिद अलविदा की नमाज का क्लिपिंग लेकर किसी बाहर की आवाज़ को उसमें इनपुट किया गया था तथा उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें थीं जो कि सामुदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली हो सकती थी। इस संबंध में डॉक्टर तारिक अली द्वारा मिराजुद्दीन गुरुदेव नामजद तहरीर थाना कोतवाली दी गई थी। इस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। मुकदमा संख्या 212/30 धारा 295 और 505(2) और ITAT की बढ़ोतरी की गई है। इस वीडियो की जांच की गई तो पाया गया इसमें क्लिपिंग और विजुअल वो तो शाही मस्जिद के हैं, किंतु उसमें जो आउटपुट आवाज़ जो इनपुट की गई वो बाहर की है और तोड़ मरोड़ कर उसको उसमें डाला गया था। इस इनपुट द्वारा जो शहर में प्रचारित किया गया वीडियो, इससे सामुदायिक सौहार्द बिगड़ने का पूरा खतरा था। तो उस मुकदमे में जो रिपोर्टर हैं KGN इंडिया न्यूज़ से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इनको मिराजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनका चालान न्यायालय किया जा रहा है।